अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि वीकली आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। और वीडियो के एंड पर मैं एक्सरसाइज से मुतालिक कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगी जिन्हें आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर से और ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई है। ट्वेंटी में अमेरिकन फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस के मुताबिक एक अडल्ट को फिट रहने के लिए हर हफ्ते दो तरह की फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत होती है। एक है एरोबिक एक्टिविटी और दूसरा है मसल स्ट्रेंथन एक्टिविटी। यानी हम अपनी एक्सरसाइज को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक हम एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं और दूसरा मसल स्ट्रेंथन एक्टिविटी। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि एरोबिक एक्टिविटी और मसल स्ट्रेंथन एक्टिविटी में क्या फर्क है और इसके लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और दूसरे हिस्से में आप जानेंगे कि फिट रहने के लिए ये एक्सरसाइजेज आपको हफ्ते में डेली कितने मिनट्स के लिए करनी चाहिए। WHO के मुताबिक एरोबिक एक्टिविटी का मतलब है हमारी वो बॉडी मूवमेंट जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल हो। अब एरोबिक एक्टिविटी नॉर्मल भी हो सकती है और विगरस भी। नॉर्मल एक्टिविटी में शामिल है वॉक करना, साइकिल चलाना या जनरल गार्डनिंग वगैरह, और विगरस एक्टिविटी में शामिल है रनिंग करना, जॉगिंग करना, तेज तेज चलना, स्विमिंग या टेनिस वगैरह खेलना। अब मसल स्ट्रेंथन एक्टिविटी का क्या मतलब है? इसमें वो एक्टिविटीज शामिल हैं जिसमें हमारी बॉडी के मसल्स किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं जिससे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसमें शामिल है वेट लिफ्टिंग, पुशअप्स, सिटअप्स, तेजी से स्टेज चढ़ना उतरना या वो एक्सरसाइजेस जिससे हम अपनी ही बॉडी का वेट उठाते हैं। वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते उनको मसल स्ट्रेंथन एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग एरोबिक एक्टिविटीज कर सकते हैं जैसा कि वॉक वगैरह। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ कि ये एक्सरसाइजेस आपको डेली कितनी देर के लिए करनी चाहिए। US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के मुताबिक हर हफ्ते हमें 150 मिनट की नॉर्मल एक्टिविटी जैसा कि वॉक वगैरह या 75 मिनट की इंटेंस एक्टिविटी जैसा कि रनिंग वगैरह करनी चाहिए। इसके अलावा वीक में दो दिन आपको मसल स्ट्रेंथन एक्टिविटीज करना चाहिए जैसा कि वेट लिफ्टिंग, पुशअप्स वगैरह। अब आखिर में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये कि आपने एक्सरसाइज के टोटल टाइम को पूरे वीक पर तकसीम करना है, यानी एक्सरसाइज का जो टाइम मैंने डिस्कस किया है उसके मुताबिक डेली तकरीबन आधा घंटा एक्सरसाइज काफी है और दो दिन में मसल एक्सरसाइजेस को शामिल करना फिटनेस के लिए बेस्ट है। दूसरी बात ये कि आपने ज्यादा देर बैठने को अवॉइड करना है, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहना हेल्थ और फिटनेस के लिए जरूरी है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि आपने एक्सरसाइज मैट पर खड़े होते ही फौरन से विग्रेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर देनी, बल्कि आपने एक्सरसाइज से पहले स्लो स्ट्रेचिंग जरूर करनी है ताकि मसल्स पुल ना हो। ये बॉडी वार्म अप के लिए इंतहाई जरूरी है। उम्मीद है कि आप फिटनेस और हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज पर भी फोकस करेंगे। स्टे हेल्दी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।